नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज RSSL बुक के कंपाउंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, आज उसी का कंटिन्यू करेंगे। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिएगा, MDH मसाला वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए, MDH 25 व्यक्ति थे, M का जगह 25 व्यक्ति, DD के जगह 15 दिन, और H के जगह 8 घंटा। मतलब 25 व्यक्ति 15 दिन में 8-8 घंटे काम किया है किसी काम को, तो एक काम कर लीजिए। अब इससे दुगुना काम करवाना है, दुगुना तो एक काम नीचे में होता था, 1 का दुगुना 2। इसमें व्यक्ति है 20 को, और दिन तो खैर पता करना है, प्रतिदिन काम करके के इसे दुगुना कर कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दिन तो आपको निकलना है, मतलब डी आपको निकलना है, एच दिया है 10-10 घंटा, तो 10 से कर 2 से कर जाएगा 5 बार में 5 से कर जाएगा 5 बार में 5 से कर जाएगा 4 बार में 4 से कर जाएगा 2 बार में। इधर डी बचा, और इधर 15 दुना 30 बचा, यानी डी का वैल्यू 30 आया, और डी माने थे दिन की संख्या, और डी का वैल्यू 30 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आठ पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वही काम को। देखिए, 8 पुरुष, एम के जगह 8, घंटा के जगह 9 लिखिए, दिन के जगह 20 लिखिए, यानी 8 पुरुष 9-9 घंटा काम किया है 20 दिन तक किसी काम को, तो एक काम को बोला है उसी काम को, तो उसी मतलब एक ही काम को 7 पुरुष करेगा, 10-10 घंटे रोज काम करेगा, तो कितना दिन में, तो डी का वैल्यू निकलना है। ठीक है, अब देखिए, 10 से कर जाएगा 2 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 9 दुनिया 18, 8 144, अब बट्टा में गुना में ही भाग में चलेगा 7 बराबर डी। इसको तोड़िएगा तो 20 सत्ते 140 और 4, यानी कि डी का वैल्यू आया 20.4/7 दिन। ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे, आरंभ में कितने व्यक्ति है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत आसानी से बनेगा। देखिए ना, कुछ व्यक्ति कहने से पता चल रहा है, तो नहीं पता चल रहा है, तो मान लीजिए एक्स व्यक्ति काम किया है, एक्स व्यक्ति पहले प्रारंभ में एक्स व्यक्ति, तो 90 दिन तक काम किया, तो एक्स गुणे 90 कुल काम होगा। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को कि कुछ व्यक्ति एक काम को एक काम के तो काम किया एक मानिए या नहीं मानिए कोई फर्क नहीं है, कि बट्टा में लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और बोला 15 व्यक्ति कम हो जाए, तब 15 पहले एक्स को था, अब 15 कम हो जाएगा तो -15, अब इतना व्यक्ति हो जाएगा, इतना व्यक्ति, तो ये 10 दिन अधिक समय लेता है, तो पहले लेता था 90 दिन, अब लगेगा 100 दिन, क्या कि 10 दिन अधिक लग रहा है। ठीक है, तो आरम्भ में कितने व्यक्ति थे, तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कर जाएगा, इधर 9x हुआ बराबर इधर 10x माइनस 15, तो यहाँ 150, 10x आएगा तो इधर में माइनस में 1x बचेगा, इधर माइनस में 150, माइनस माइनस कर देगा, एक्स का वैल्यू आया 150, यानी एक्स शुरू में कितना लगाए थे, प्रारंभ में माने थे एक्स व्यक्ति, एक्स का वैल्यू है 150, यानी 150 शुरू में लगा था व्यक्ति की संख्या। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी कार्य को कुछ श्रमिक, श्रमिक मतलब लेबर होता है, मजदूर, श्रमिक द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, मतलब किसी काम को, किंतु 3 श्रमिक के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया, आरंभ में कितने व्यक्ति श्रमिक थे। देखिए, तो आरंभ में वही बात है पिछले क्वेश्चन जैसे, आरंभ में एक्स गो सैनिक था, एक्स गो श्रमिक मतलब एक्स गो लेबर था, 22 दिन तक काम किया है, तो 22 पूरा कर सकता है एक काम को, तो एक काम बटम लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं है, किंतु 3 श्रमिक अनुपस्थित रहा, तो पहले एक्स गो श्रमिक था मतलब एक एक्स गो लेबर था, अब 3 को कम रहेगा, तो 3 माइनस 3, अब पहले 22 दिन में हो जाता था, एक्स को रहता था, 3 को अब्सेंट हुआ है इसके कारण 24 दिन लग गया था, 24, अब 2 से कटेगा 11 बार, इधर हो गया 11x बराबर, इधर हो गया 12x-36, इधर घटेगा तो -x बचेगा, 12x प्लस में इधर होगा तो माइनस में, तो 11x में से 12x घटेगा तो माइनस को एक्स बचेगा, इधर -36, माइनस माइनस कट गया, एक्स का वैल्यू आया 36। ठीक है,
है 36 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। कितने व्यक्ति नए आए हैं, कितने व्यक्ति नए आए हैं? देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है, एगो कैंप है, उसमें 3300 व्यक्ति के लिए खा भोजन है, लेकिन वो व्यक्ति है ना 850 ग्राम खाता है तो 32 दिन चलता है, लेकिन बोला है 7 दिन के बाद उस कैंप में कुछ और व्यक्ति आ गए। कितना व्यक्ति आई बात ये बात पता नहीं है, लेकिन अब जो व्यक्ति आए हैं ना, अब 825 से 25 ग्राम खा रहा है तो 17 दिन चला है, तब तो बोला है कि छावनी में मतलब कैंप में कितने व्यक्ति नया आए हैं। तो देखिए 3300, इसका कंसेप्ट बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तो 3300 आदमी के लिए 32 दिन का भोजन था, 850 ग्राम खाता तब, तो 850 ग्राम खा रहा है, 850 ग्राम खा रहा है, तो 32 दिन का भोजन था, 7 दिन बाद कुछ आया है, तब तक 7 दिन तक ले तो ये 3300 आदमी खाया होगा, भूखे तो नहीं रहा होगा, यानी कि 3300 आदमी 7 दिन खाया होगा, तो 7 दिन खाइए गया तो शेष कितना दिन बचा? 25 दिन बचा ना, यानी इतना भोजन अब 25 दिन के लिए बचा हुआ है, 25 दिन शेष भोजन हो गया। और अब बोला है इस उसमें कुछ चल आया लोग, अब कुछ लोग चले आए तो पहले चल आए, पहले व्यक्ति की संख्या निकाल लेते हैं, तो अब 825 ग्राम खा रहा है और 17 दिन चला है, तो पहले मैन की संख्या निकाल लेते हैं, टोटल मैन कितना लग रहा है, तो 17 से काटिएगा 17, 50 बार में 25 से इसको काटिएगा, 25 से 75, 75 5 फिर 7 बजा, फिर 25 से 75, और 33 से ही कर जाएगा 100 बार में और कटने वाला है 33, अब नहीं कटने वाला है, 100 5 इधर 5000 हो गया, 5000, ठीक है 5000, अब मतलब कि अब हो गया उस कैंप में व्यक्ति की संख्या जो हुआ ना, व्यक्ति की संख्या 5000, लेकिन पूछा एक्स्ट्रा कितना आया है, एक्स्ट्रा मैन पूछा है कितना आया है, तो 5000 में से तो 3300 पहले से ही है, 3300 पहले से ही है, यानी कि 1700 ना अब नया का आया होगा, 17 3 20 30 50, ठीक है 1700 नया आया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बता के बनाए बना के बताएंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 6 समान मशीन एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है, तो इसी चाल से ऐसे ही 10 मशीन 4 मिनट में कितने बोतल बनाएंगे? देखिए 6 मतलब मशीन की क्षमता समान है, 6 को मशीन है ना, 1 मिनट में 270 को बोतल बनाता है, तो काम 270 को काम किया है तो बट्टा में लिखाएगा बराबर। अब बोला कि 10 मशीन यदि 4 4 मिनट काम करे, 4 मिनट में कितना बोतल, तो मान लेते हैं कि 100 को बोतल बनाएगा, बट्टा में 100 लिखिए, तो देखिए काटिएगा 3 से 2 बार में, 3 से 3 होता है 90 बार में, 200 कर देगा 45 बार में, इधर 1/45 हुआ, इधर 40/100 हुआ, तीसरा चीज गुना हो जाएगा तो 1, इधर 45 चौका 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, यानी 1800 ऑप्शन में है, 1800, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। एक्स का वैल्यू, एक्स बोतल की संख्या माने थे, अब बोतल एक्स का वैल्यू है 1800, इसलिए आपका राइट आंसर 1800 हुआ, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी छावनी में 200 व्यक्ति की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 50 और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए प्राप्त होगी? देखिए 200 सैनिक के लिए 30 दिन का भोजन था, लेकिन 30 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद 50 को आ गया है, तो 10 दिन बाद आया है, 10 दिन तक लेता यही 200 खाया होगा, यानी कि 30 दिन में 10 दिन खा गया, शेष कितना बचा? 20 दिन ना बचा, अब इतना खाना के 50 व्यक्ति और आ गया था, पहले 200 था, अब 250 हो गया कि अब 250 व्यक्ति खाएगा यही खाना के, तो 0 से 0 25 8 200 8 16 दिन चलेगा। अब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 15 गाय 9 दिन में 2700 किलो अनाज खाती है, 18 गाय 30 दिन में कितने किलो अनाज खाएगी? देखिए
15 हो गाय दोस्तों, मैन की जगह कुत्ता बिल्ली आदमी घोड़ा हाथी कुछ भी हो सकता है, गाय बकरी कुछ भी। तो 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाया है। अब देखिए तो 18 गाय हो गया 30 दिन में कितने किलो खाएगा, तो 1 किलो खाएगा मान लेते हैं, तो काटिएगा तो इसको 9 से कर देगा 9 3 27 00, 15 से कर देगा 15 2 30 2 1 0, 20 बार में, ठीक है। इधर देखिए 1/20 बराबर इधर 18 54 1 0/1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा एक्स, एक्स में एक से गुना होता है एक से रह जाएगा, इधर 54 2 108 और 1 0 यानी 1080 किलो खाएगा। ऑप्शन नहीं है, 1080, 10,800 होगा, कहीं भी गलती किए हैं। 15 2 30 1 0 20, देखिए 54 2 108 2 0, 10,800 ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई 40 मीटर 40.25 मीटर लंबी है, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन वैसा नहीं बनेगा ही। देखिए 29 नंबर, 17.5 मीटर ऊंची है, ऊंची ध्वज के झंडा कितनी लंबी है, 40.25 मीटर परछाई है, ये परछाई हो गया, परछाई है, और फिर परछाई दिया है 28, मतलब कितने मीटर ऊंची ध्वज के परछाई 28.75 मीटर हो जाएगा परछाई, तो मानते हैं 1 मीटर के, तो 63 गुना होगा इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें होगा तो 40.25 गुने 1 से, आ इधर गुना होगा तो 17.5 गुना 28.75, आ एक्स का वैल्यू निकलना है, तो एक्स का वैल्यू निकलना है तो इसमें 40 वाला इस यहाँ भेज दीजिए, गुना में है इधर तो भाग में 40.25, दशमलव देखिए 2 अंक बाद यहाँ है, दशमलव 2 अंक बाद यहाँ कट गया, 25 से कट जाएगा, इसको 25 से काटिएगा तो कट जाएगा, देखिए 25 से काटिएगा, चाहे इसको काटिए पहले 25 5 से काटिए हल्का रहेगा, 25 से भी कर दें, 25 से कम 25 3 3 बार 27 25 से कम 25 2 2 बार 25 25 से कम 25 25 से काटिएगा तो 25 से कम 25 5 30 15 15 पर 15 25 6 150, 25 से कम 25 एक सौ में। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, अब देखिए अब कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 2 14 हाँ कटेगा, 7 से 80 कटेगा, 7 2 14 हाँ कट जाने वाला है, 7 2 14 7 5 35.1 बाद 87 से कटेगा तो 7 2 14 7 3 21 और 23 3 3 3 6 3 7 21 23 7 कितना होता है, 23 7 7 3 21 7 2 14 7 3 21 7 2 14 2 16 161 होता है, 23 3 3 9 23 ही नहीं कटेगा ही, दशमलव में इसका आंसर आएगा तो हाँ दशमलव में ऑप्शन है, ऑप्शन में है दशमलव, ठीक है गुना कीजिएगा ना, तो 25 में 111 से गुना, हम दोस्तों कैलकुलेटर से गुना करके बता देते हैं, आप यूज कर लीजिएगा अपने से, दोस्तों इसको आप काट सेट कर लीजिएगा, दशमलव इधर उधर किधर मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 12.5, ठीक है। यहाँ से काटकूट ये सही है, वैल्यू सही है, आप यहाँ से काटकूट सही से कर लीजिएगा, ठीक है काटकूट सही से 12.5 मीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 10 क्वेश्चन के पार्ट बनाते हैं। देखिएगा यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच कर सके, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगना उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। देखिए 9 को परीक्षक, परीक्षक मतलब चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला, 5 5 घंटा काम किया है तो घंटा का जगह लिखिए 5, कुछ पुस्तकें 12 दिन में, 12 दिन में कुछ पुस्तक कहने से पता नहीं चला है, एक पुस्तक मान लीजिए, एक पुस्तक, ठीक है, इससे अब दुगुना पुस्तक अधिक करना है, देखिए दुगुनी पुस्तक तो एक है तो दुगुना 2 हो जाएगा, और 4 परीक्षक के चेक करना है, 4 परीक्षक तो पुस्तक 30 दिनों में, तो 30 दिन में कितना घंटा काम करेगा प्रतिदिन, तो 1 घंटा काम करेगा मान लीजिए, 2 से कटेगा इसको 2 बार में, 2 से कटेगा इसको 6 बार में, 6 से 5 बार में, 5 से 5 कर जाएगा, इधर 9 बचा इधर बचा 1, यानी कि 9 9 घंटा रोज काम करना होगा उसको। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।